जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अभी हम हैं पीपरपाती रोड में, और पीपरपाती रोड में हैं और यहाँ से हम जाएंगे कृष्णावरम विदाउट पैसा। यहाँ से हम लिफ्ट मांग करके बिना पैसा का भी यात्रा करके आप लोगों को दिखाएंगे, जो बोलते हैं कि नहीं आप बिना पैसा का यात्रा नहीं कर सकते, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हम देखिए अभी पीपरपाती रोड में है, आप जैसे कि देख सकते हैं चारों तरफ, ये आप लोकेशन समझते हैं पीपरपाती रोड का पुल है, और यहाँ से हम कृष्णावरम तक के लिफ्ट मांग के बिना पैसा का जाने वाले हैं और जा कर के आपको दिखाएंगे। चलिए हम लिफ्ट मांग कर यहाँ से कोशिश करते हैं, देखते हैं कोई लिफ्ट देता है। हालांकि दिक्कत होता है, ऐसा नहीं है कि सब लोग लिफ्ट दे देते हैं, दिक्कत होता है, लेकिन देखते हैं यहाँ से लिफ्ट मांग करके कोई हमको लिफ्ट देता है या नहीं देता है। भैया ये देखिए एक भाई रुके हैं, एक भाई रुके हैं, आगे तक हमको छोड़ दीजिएगा, बैठिए। कहाँ जाना है? हमको तो जाना है बहुत दूर, भोजपुर तक जाना है। आप जहाँ इधर जाइएगा छोड़ दीजिए, भोजपुर हम भी जाएंगे। देखिए तो ये भैया मिल चुके हैं और नया भोजपुर तक जाएंगे, तो हमको ये नया भोजपुर तक छोड़ देंगे। तो चलिए अभी हम पीपरपाती रोड में ही हैं और पीपरपाती रोड का आप लोग को मार्केट दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पीपरपाती रोड का मार्केट है, देख लीजिए। अभी आप लोग को हम दिखाते चल रहे हैं पीपरपाती रोड का मार्केट है। तो ये अभी दुर्गा पूजा के माहौल के कारण काफ़ी धूप भी है, जिसके कारण ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, और ना दुर्गा पूजा के चलते यहाँ पर काफ़ी भीड़ वगैरह होता है। अभी देखिए दिखाएंगे हम आप लोग को, कहीं कहीं दुर्गा पूजा के पंडाल का भी तैयारी हो रहा है। देखिए ये आप लोग को देखिए कि दिख रहा होगा, ये दुर्गा पूजा के पंडाल का तैयारी हो रहा है। देख सकते हैं आप दुर्गा पूजा के पंडाल का तैयारी हो रहा है, देख लीजिए। एम बी मेराज खान है, और भैया हमको लिफ्ट दिए हैं। भैया बिजली मिस्त्री है और यहाँ पर सर्विस का काम, भैया किस चीज़ के सर्विस का आप काम करते हैं? बिजली विभाग का, या स्कूटी का यह काम करते हैं, और यहाँ पर आए हैं किसी काम से ही, और ये नया भोजपुर तक हमको इसकी आवाज़ है, ये इसकी आवाज़ है। तो चलिए भैया का काम हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये महिला थाना, जिला बक्सर का महिला थाना है, जो हमारे पीछे बन रहा है, देखिए उसका तैयारी चल रहा है अभी, देखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग पीपरपाती रोड को होते हुए और ये पुल पर देखिए जैसे कि चढ़ रहे हैं, और ये पुल जो है यूपी को बिहार से कनेक्ट करता है। जो आप पुल देखेंगे ये पुल यूपी से बिहार को कनेक्ट करता है, और ये आगे जो जाएंगे बक्सर के गोलम्बर चौक पर चला जाता है। ये जो आप देख रहे हैं बिहार को कनेक्ट करने वाला पुल, यहाँ पर पुलिस चौकी भी है, ये जो आप पीछे देख रहे हैं। और ये रोड जो है, ये रोड ही आपको ये देख रहे हैं, होटल इन हाईवे है, ये इसी रास्ते में है जो पुल का रास्ता जो देख रहे हैं। तो अभी हम लोग बक्सर ही पार कर रहे हैं, बक्सर नहीं है, ठीक है। रामनपुर आ गया है, जो कि नर्सरी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं बाग बगीचा लगा हुआ है, नर्सरी है इधर, नर्सरी आम पेड़ पौधा जो होता है आम वगैरह का, ये सब काफ़ी यहाँ पर मिलता है, और चूरामनपुर नर्सरी के लिए ही काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि बहुत सारा नर्सरी का इधर दुकान है। आप लोग देख पा रहे हैं रोड के उस साइड भी है और इस साइड भी, दोनों साइड है। तो ये चूरामनपुर है, हम लोग अब चूरामनपुर यहाँ से पार कर चुके। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये दल सागर है, और दल सागर का पुल है, इसको ऊंचा किया गया है, आप देख पा रहे हैं हम लोग अभी पुल पर हैं, हाइट पर, और हम यहाँ से पीछे उतर रहे। देखिए अभी काम भी वगैरह चल रहा है, पीछे जो आप देख पा रहे हैं काम वगैरह भी चल रहा है। ये पुल है दल सागर पुल, क्योंकि यहाँ से क्रॉसिंग है इसलिए पुल बनाया गया है। तो हम लोग अभी दल सागर के पुल पर हैं, और यहाँ से हम लोग नीचे उतरेंगे धीरे धीरे। देख लीजिए काफ़ी अच्छा बनाया गया है, हालांकि अभी काम फोर लाइन का ख़त्म नहीं हुआ, जिसके कारण कार्य चल रहा है। तो हम लोग अभी दल सागर हैं, दल सागर के पुल पर, और दल सागर को हम पार कर चुके हैं, यानी कि टोल प्लाजा यहां से शुरू हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे जैसे कि यहां से 500 मीटर पर टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा यहाँ से बनेगा NH922, यहाँ टोल प्लाजा बनेगा। देखिए यहाँ से 500 मीटर दूरी पर जो है टोल प्लाजा बनाया जाएगा, जो कि टोल लगता है गाड़ियों का, वही टोल प्लाजा का काम चल रहा है। ये दल सागर से थोड़ा सा आगे है टोल प्लाजा का, आप बोर्ड देख चुके हैं, नदी और टोल
प्लाजा बनाएगा। हालांकि निर्माण कार्य अभी खत्म नहीं हुआ, कार्य प्रगति पर आप देख सकते हैं बोर्ड लगा है, कार्य अभी प्रगति पर ही देख लीजिए इधर बोर्ड लगा है। ये नदी है और नदी पर ये देखिए बोर्ड बनाया गया है, उस साइड अभी बनाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं वीडियो में बड़े बड़े क्रेन यहाँ पर लगे हुए हैं, देख पा रहे होंगे इधर की जेसीबी वगैरह क्रेन वगैरह लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे टोल प्लाजा के लिए यहाँ पर। तो धीरे धीरे हम यहाँ टोल प्लाजा से भी अब निकल चुके हैं और यहाँ का आप लोग को टोल प्लाजा पुराना भोजपुर है, लेकिन अभी जो फोर लाइन एरिया नहीं है उसके नीचे भी जो ट्रक वगैरह लोग चल रही है, जिसके कारण भीड़ वगैरह और जाम का समस्या लग रहा है। अगर अभी जो कि फोर लाइन बाइक आ जाता है तो ये देख लीजिए डुमरा हो जाता है, डुमरा पुरान शहर नवा नगर मलिया बाग आप देखिए हो जाते हैं। यहाँ पर बस वगैरह रुकी तो ये लाइन होता है, बस वगैरह रुकती हैं यहाँ पर, धुआता हुआता है। देखिए आप जैसे कि देख पा रहे हैं मस्त साफ सफाई हो रहा है। पुराना भोजपुर दिखा चुके हैं और पुराना भोजपुर से हम निकल चुके हैं, यहाँ से पुराना भोजपुर से देख लीजिए बाहर आ चुके हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं पुराना भोजपुर, पुराना भोजपुर से हम बाहर निकल गए। आप देख पा रहे हैं कि डुमराव महाराज का जो है कोठी, यहीं से उनका बाउंड्री स्टार्ट हो जा रहा है। देख पा रहे हैं देखिए ये है डुमराव महाराज का जो हाथा दिया हुआ है, जो बाउंड्री दिया हुआ है, उसके अंदर हर जानवर मिले तो इसी के अंदर है डुमराव महाराज का। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बोर्ड पर भी लगा हुआ भोजपुर कोठी, भोजपुर कोठी है डुमराव महाराज का जो घर है, भोजपुर कोठी के नाम से नंबर गेट है। ये देख लीजिए हम आप लोग को गेट दिखाते हैं, ये है भोजपुर कोठी का गेट, देख पा रहे हैं भोजपुर कोठी का ये गेट है। इसमें अंदर खेती वगैरह बहुत कुछ होता है, फल फल फूल भी लगा। तो भोजपुर के बाद देखिए अब हम आ चुके हैं ओल्ड भोजपुर के बाद न्यू भोजपुर, यहाँ से छपरा 98 किलोमीटर और बीटा 81 किलोमीटर। देख लीजिए अब हम लोग नया भोजपुर में प्रवेश कर चुके हैं। टोटल स्मार्ट सिटी है जो ये देख सकते हैं, टोटल स्मार्ट सिटी ये नया भोजपुर बन रहा है। अभी तक जो है देखिए नया
करता हूँ। फिर नया भोजपुर, ये देखिए हीरो का जो है एजेंसी है इधर, जो आप देख पा रहे हैं हीरो का एजेंसी है जो कि नया भोजपुर में है। हीरो का एजेंसी है, इधर सारा मोहल्ला वाला है, देखिए बगीचा है, डुमरा महाराज का बगीचा है। ये जो आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे, वो हम लोग के जो पीछे है डुमरा महाराज का जो बगीचा है, तो देख पा रहे हैं डुमरा महाराज का बगीचा देख। ये डुमरा महाराज है, डुमरा महाराज का बगीचा है और यहाँ से भोजपुर कोठी से थोड़ा सा दूर पर है। आप देख पा रहे होंगे जैसे कि काफ़ी सारा पेड़ लगा हुआ है, आम का पेड़ लगा हुआ है, इस साइड भी है, सागवान शीशम है, और ये बगीचा है डुमरा महाराज का, आप लोग देख पा रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं ये पुल है जो कि ऊपर से पार होने के लिए है, क्योंकि बीच में क्रॉसिंग है जो कि डुमरा जाता है स्टेशन के थ्रू, इसलिए ये है नया भोजपुर का पुल। तो जैसे कि देख लीजिए हम लोग यहाँ से भी अब आगे नया भोजपुर से, नया भोजपुर हम देख सकते हैं बगीचा, यहाँ से हम आगे निकल चुके हैं। भैया को यही नया भोजपुर में ही जाना है, फिर हमको देखिए कहाँ तक छोड़ते हैं। ये जो है देखिए ये डुमरा रोड चला है, जो आप देख पा रहे हैं हम लोग पीछे जो रोड देख रहे हैं, पीछे रोड से सीधे डुमरा स्टेशन पर चला जाएगा। नया भोजपुर में प्रवेश कर चुके हैं, नया भोजपुर देखिए साइड में आप लोगों को डुमरा बगीचा दिखा चुके हैं। फोर लाइन जो कि है बाईपास से निकल रहा है, ये देखिए बरामपुर डुमरी और डुमरा यहाँ से जाया जा सकता है नया भोजपुर। ठीक है, तो देखिए भैया हमको यहाँ नया भोजपुर जो है चौक यहाँ तक छोड़ चुके हैं और यहाँ से हम आगे चलते हैं। ठीक है भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिए है, ये वीडियो आएगा वीडियो को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे। भैया बहुत हमारा हेल्प किया है, बक्सर से हमको लेकर आ रहा है। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, ये देख लीजिए नया भोजपुर का जो है ये चौक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से 8 दिन के लिए डुमराव के लिए भी गाड़ी मिलेगी और इधर जाने के लिए भी गाड़ी मिलेगी। चक्की, ये चक्की इधर जाएगा जो दक्षिण साइड में चक्की, और इधर जो हम कृष्णापुरम से कि आप देख सकते हैं कि नया भोजपुर में हमको उतार दिए हैं, बक्सर से लेकर आ रहे हैं भैया, और नया भोजपुर में हमको उतार दिए। ये जो है भोजपुर स्टैंड है, यहाँ पर बस वगैरह ऑटो टेम्पो खड़ा होती है और यहाँ से हम देखते हैं फिर किसी से लिफ्ट लेंगे और यहाँ के बाद हम जाएंगे। देखते हैं हम यहाँ से किसी लिफ्ट लेने का कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए इधर फल वगैरह का भी दुकान है, और ये जो है देख लीजिए इधर दुर्गा पूजा के लिए पंडाल वगैरह सब बनाया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से दुर्गा पूजा वगैरह के लिए पंडाल वगैरह बना पा रहे हैं। इधर देख लीजिए इधर फल वगैरह का दुकान है। अब यहाँ से हम देखते हैं किसी से लिफ्ट लेते हैं, उसके बाद पहुँचेंगे हम कृष्णापुरम। बक्सर से जैसे कि हम आप लोग को बता पा रहे हैं कि बक्सर से हम आ रहे हैं लिफ्ट मांग करके, देख लीजिए जैसे कि हम लिफ्ट मांगने का कोशिश कर, हालांकि लिफ्ट और कोई देता नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कोशिश करते हैं। हमको बक्सर से मिल गया है तो यहाँ से भी मिल ही जाएगा, कोई ना कोई मिल ही जाएगा हमको, देखते हैं। यहाँ से देखिए लिफ्ट लेने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आ गए हैं नया भोजपुर पर, और यहाँ से हम लिफ्ट लेने का कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के बाद हम कृष्णापुरम तक के लिए लिफ्ट लेंगे। देखते हैं कोई देता है लिफ्ट या नहीं देता है, देख पा रहे हैं जैसे कि हम रोड पर खड़े हैं, देखते हैं लिफ्ट हालांकि मिल ही जाता है, हालांकि हर लोग नहीं देता है, परेशानी होता है थोड़ा, लेकिन लिफ्ट हालांकि मिल ही जाता है, सभी लोग एक तरह से देते हैं। देखिए हम मांगते हैं लिफ्ट, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से लिफ्ट लेने का, और देखिए काफ़ी
दिक्कत तो होता ही है, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पर बस वगैरह गाड़ी आ रही है, बस अड्डा भी है यहाँ पर, में हमको खड़ा हुआ लगभग 10 मिनट हो गया, अभी तक कोई लिफ्ट नहीं दिया है। देखते हैं आगे लिफ्ट मिलता है या नहीं मिलता है, कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ लोग लिफ्ट नहीं देते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर लिफ्ट लेने का, देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। नया भोज में काफ़ी धूप भी आज निकला हुआ है, जिसको लोग देख पा रहे हैं, काफ़ी धूप निकला हुआ है तो हम देख रहे हैं। चलते हम कहीं छाया में, वहाँ से हम लिफ्ट लेने का कोशिश करेंगे। चलो कहीं जहाँ छाया है वहाँ पर, और यहाँ से हम लिफ्ट लेने का कोशिश करेंगे। किसी से लिफ्ट मांग रहे हैं, देखते हैं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम खड़े हैं और यहाँ थोड़ा सा छाया आ चुका है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, और यहाँ से हम लिफ्ट लेने का कोशिश करेंगे। देखते हैं किससे मांगते हैं, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बक्सर से तो लिफ्ट मिल गया था, एक ही आदमी हमको नया भोजपुर तक छोड़ दिए थे, लेकिन अभी हम नया भोजपुर में आकर के खड़े हैं। देखते हैं यहाँ से हमको लिफ्ट मिलता है ना, यहाँ से कोशिश करते हैं, देखते हैं किसी से लिफ्ट मांगने के लिए, देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। हालांकि लिफ्ट मांगना आसान नहीं है, हर आदमी लिफ्ट नहीं देता है, तो दिक्कत तो है ही और समय भी लगता है, फर्क आदमी रहता है। देखते हैं, देखिए अभी कुछ लोग कौन हैं लेकिन लिफ्ट नहीं दे पा रहे हैं। अभी हम और सारे बहुत सारे आदमी आ रहे हैं, हम उनकी सारा लोग लिफ्ट नहीं दे रहे हैं और मुड़ कर भी देख रहे हैं यहाँ से कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो लिफ्ट तो हमारा उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन ये देख कर चुका है। लिफ्ट नहीं दे रहा है, लेकिन कैमरा होने के चलते काफ़ी सारा लोग यहाँ दिक्कत भी कर रहे हैं, लिफ्ट भी नहीं दे रहा है कैमरा होने के चलते। हम देख रहे हैं कैमरा को थोड़ा बंद करके, उसके बाद देखते हैं लिफ्ट मांग, क्योंकि कैमरा होने के कारण काफ़ी सारा लोग लिफ्ट भी नहीं दे पा रहे हैं। हम देखते हैं कैमरा को थोड़ा बंद करके लिफ्ट मांग, उसके बाद लिफ्ट मिला है लगभग भोजपुर में। हम आधा घंटा तक पड़े, बहुत सारे लोग लिफ्ट नहीं भी देते हैं यहाँ पर। अरे है, एक भैया मिले हैं जो कि ढकाई तक जाएंगे, तो हमको ढकाई तक छोड़ दे रहे हैं, और ढकाई के बाद कैसे देखें। और भोजपुर में भी काफ़ी इंतजार करना पड़ रहा है आधा घंटा, कोई बात नहीं होता है ऐसा, हालांकि हर लोग एक समान नहीं है, तो टाइम तो लगता ही जब आपको इस तरह से ट्रेवल करना है। देखिए अभी हम नया भोजपुर को पार कर चुके हैं, आप जैसे कि देख पा रहे हैं इधर हमारे पीछे ये कबाड़ी का दुकान है।
हम लोग उतर चुके हैं और भैया यहाँ से चल दिए हैं। हम इनको थैंक्स भी नहीं बोल पाए, ये यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ से ये जाएंगे ढकाइच की तरफ। ये ढकाइच गांव है जो आप हमारे पीछे देख रहे, ढकाइच गांव है। तो हम ढकाइच के पास चुके हैं। हमको नया भोजपुर से लिफ्ट मिला, नया भोजपुर से लिफ्ट मिलने के बाद हम ढकाइच आ चुके हैं और यहाँ से देखते हैं कि इससे लिफ्ट मांगते हैं, मिलेगा लिफ्ट तो मिल ही जाता है। हालांकि कुछ लोग नहीं देते हैं, देरी करते हैं, कुछ लोग कैमरा से भी घबरा रहे हैं इसलिए कि क्या कर रहे हैं, इसलिए लिफ्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन हम यहाँ से, हमारे जो पीछे है ये स्कूल है और आप देख लीजिए, हम लोग हम अभी ढकाइच पर खड़े, लगभग 5 मिनट हो गया, 5 मिनट से हम यहाँ खड़े हैं, अभी तो कोई आया नहीं है। हम देखते हैं किसी और से लिफ्ट मांगने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए हम अभी जो आप देख रहे हैं पीछे दुर्गा पूजा का इधर पंडाल भी बन रहा है ढकाइच में, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। ढकाइच में खड़े हैं 5 मिनट से, अभी तक तो कोई नहीं आया। हम देखते हैं किसी से लिफ्ट मांग करके देखते हैं। देखिए हम अभी लिफ्ट मांग रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है। 5 मिनट लगभग 10 मिनट हो चुका है, लिफ्ट काफ़ी सारे लोगों से मांगे हैं, अभी तक तो लिफ्ट नहीं मिला है। देखते हैं आगे, कोशिश करते हैं, हालांकि टाइम तो लगता ही, हर कोई लिफ्ट तो नहीं देता है। देखते हैं और किसी से मांगते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। लगभग 5 मिनट से अधिक हो चुका है और हमको लिफ्ट नहीं मिलता है। देखते हैं और किसी से मांगते हैं क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं। लगभग 10 मिनट से अधिक हो चुका है, अभी हम ढकाइच में फंसे हुए हैं। देखते हैं यहाँ से किसी से लिफ्ट मिलता है कि ना, काफ़ी सारे लोगों से तो लिफ्ट मांग चुके हैं, मिल नहीं रहा है। देखते हैं कोई ना कोई तो दे ही देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा लिफ्ट मिल ही जाता है, लेकिन थोड़ा देरी होता है और कोई लिफ्ट नहीं देता है। हम आपको बक्सर से हम आप लोगों को कितना भरम तक लिफ्ट लेके हम आप लोगों को ऐसा लोग को ये दिखाने के लिए कि हाँ बिना पैसा के भी आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, बस इच्छा होना चाहिए। अब हम देखिए यहाँ पर खड़े हैं और देखते हैं लिफ्ट, हालांकि समय कितना भ्रम तक जाना है, कहाँ जाएंगे से हम यहाँ खड़ा थे, कोई लिफ्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन एक भैया यहाँ से दिए हैं लिफ्ट और ये जाएंगे ब्रह्मपुर तक, तो हमको आसानी से कृष्णा ब्रह्म तक ये छोड़ सकते हैं। और हम अभी ढकाइच से यहाँ से पार कर चुके हैं, देख लीजिए आप ये ढकाइच है, और ढकाइच पर 10-15 मिनट लगभग खड़ा होने के बाद यहाँ से हमको लिफ्ट, देख लीजिए ढकाइच अब।
के बाद अब कृष्णा ब्रह्मी आने वाला है, तो भैया हमको छोड़ दिए हैं कृष्णा ब्रह्म, हम चलते हैं। थैंक यू भैया, हाथ मिला लीजिए। थैंक यू, आपका नाम क्या है? उमेश यादव जी हैं। हमको यहाँ कृष्णा ब्रह्म तक छोड़ दिए, ठीक है भैया, धन्यवाद धन्यवाद। हम देखिए कृष्णा ब्रह्म तटा चुके हैं बक्सर से, आप लोग को हम दिखा पा रहे हैं कि बक्सर से हमने कोई बस नहीं लिया, कोई ऑटो नहीं लिया, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं लिया, हमने लिफ्ट मांग कर ही हैं। देख रहे हैं ये कृष्णा ब्रह्म का पुल है, जिसे कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर ऊपर से पार हो जाता है, नीचे कृष्णा ब्रह्म इधर टूरी बन जाएगा, मार्केट हो जाएगा। तो ये कृष्णा ब्रह्म पुल है और भैया हमको कृष्णा ब्रह्म तक छोड़ दिए हैं। बक्सर से हमको यहाँ आने में एक भाई मिले जो हमको नया भोजपुर तक छोड़ दिए, उसके बाद एक आदमी मिले जो कि ढकाइस तक, और उसके बाद एक आदमी मिले जो कि कृष्णा ब्रह्म पर हमको छोड़ दिए हैं। तो देखिए हम कृष्णा ब्रह्म आ चुके हैं, देख लिए हैं कि आप कृष्णा ब्रह्म का ये पुल है, आप देख पा रहे होंगे कृष्णा ब्रह्म का पुल है। ऑलरेडी हम अब कृष्णा ब्रह्म में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से हम अब चलते हैं अपने गाँव। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये पुल है कृष्णा ब्रह्म का, हम पुल से नीचे हमको टूरीगंज की तरफ जाना है और हम यहाँ से आ चुके हैं बिना कोई बस का किराया दिए, बिना किसी के। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप बिना पैसा के भी ट्रैवल कर सकते हैं, बस आपको ट्रैवल करने का इच्छा होना चाहिए। तो देख जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम बक्सर से यहाँ आ चुके हैं, लोगों को यात्रा दिखा चुके हैं और वीडियो को हम यही समाप्त कर चुके हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का।